असलकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे हम आज की वीडियो में बात करेंगे डी एच की करंट सिचुएशन क्या है प्राइस के हवाले से और वहाँ पर डेवलपमेंट के हवाले से आज हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोग जब भी प्रॉपर्टी परचेज करें कहीं पर भी मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ डी एच सिटी में ही प्रॉपर्टी परचेज करें आप सिर्फ जो है वो डिफेंस में प्रॉपर्टी परचेस करें कहीं पर भी आप प्रॉपर्टी परचेस करें लेकिन आप वो ही प्रॉपर्टी ख़रीदें जो लीज़ हो कभी भी आप एग्रीमेंट पे प्रॉपर्टी मत खरीदें एग्रीमेंट वाली प्रॉपर्टी जो है वो आपको एट द एंड में नुकसान ही देगी लीज़ प्रॉपर्टी की प्राइस एप्रिशिएट होती है प्राइस बढ़ती है लेकिन जो एग्रीमेंट पे आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं वो आज जितने की आप ख़रीद रहे हैं वो गेन नहीं करती उसकी प्राइस ऊपर नहीं जाती और बहुत सारे लोग इस चक्कर में बगैर लीज वाली प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं कि जी आ, कुछ टाइम हम रहेंगे और उसके बाद इसकी लीज़ आ जाएगी इसकी लीज़ हो जाएगी तो ऐसा कुछ नहीं है जो सोसाइटियाँ लीज नहीं हैं वहाँ की लीज़ कभी नहीं आनी तो बर मेहरबानी आप अपना बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं हार्डली वर्क करके आप लोग पैसा अर्न करते हैं उस पैसे को किसी ऐसी जगह मत डबोएं जो आपने कई सालों में इकट्ठा किया है हमेशा किसी ऐसी सोसाइटी का इंतखब करें जहां पर लीज मौजूद है ठीक है जी उम्मीद करता हूं आपको मेरा मैसेज समझ आ गया होगा कि मैं आप लोगों को क्या बात कहना चाह रहा था अगली बात यह है कि जी डी सिटी में मुझे बहुत सारे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हमारा प्लॉट सेक्टर थ्री में है और हमारे प्लॉट के आप बत्तीस लाख रुपए इकतीस लाख रुपए का रेट लगा रहे हैं और सेक्टर 14 में हम लोगों ने जी ऑनलाइन चेक किया है वहाँ पर चवालीस लाख रुपये का रेट है वहाँ पैंतालीस लाख रुपये का रेट है तो हमारे प्लॉट का रेट कम क्यों है हमारा प्लॉट तो एंट्रेंस के पास आ गया और सेक्टर फोटीन जो है वो जनाबे वाली इतना महंगा है और हमारा प्लॉट सस्ता है तो मैं आप तमाम लोगों के लिए ये अर्ज़ करना चाहता हूँ जितने भी डी एच ए ने नए सेक्टर्स दिए हैं द वैली की जो फाइलें शिफ्ट हुई हैं सेक्टर थ्री सी ई एफ में सिक्स ई एफ जी में नाइन ई में ट्वेल्व ई में थर्टीन एफ जी में ये जो नए सेक्टर आए हैं इसमें एक्चुअली में हुआ ये है कि डी ने एक लैंड परचेज किया डी सिटी के साथ लगता हुआ साउथ में डी ने एक लैंड परचेज किया उस पर नक्शा बनाया और उस नक्शे में ये फाइलें मर्ज कर दी और वो नक्शा हमें भी दे दिया और वो नक्शा हम लोगों ने आप लोगों तक भी पहुंचा दिया और वो नक्शा ऑफिशियली डी ने लॉन्च भी कर दिया अपनी वेबसाइट पर भी दे दिया लेकिन इशू ये है कि वहाँ पर अभी डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पर डेवलपमेंट होने में डेवलपमेंट का काम कंप्लीट होने में चार पाँच साल लगेंगे और हो सकता है कि ज़्यादा टाइम लग जाए इस वक्त अगर आप सेक्टर एक्सटेंशन जितने भी हैं सेक्टर थ्री ई में सी में डी में और सेक्टर सिक्स में ई एफ जी में ट्वेल्व नाइन में नाइन ई e में या थर्टीन एफ में या थर्टीन जी में आप अपना प्लॉट जाकर ऑन लोकेशन नहीं देख सकते वहाँ पर रोडें नहीं हैं वहाँ पर कोई डेवलपमेंट इस वक्त नहीं है ये जो तमाम नए सेक्टर हैं सिर्फ और सिर्फ अभी इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल हैं मैं आप लोगों को जो गाइड कर रहा हूं या और जो मेरे भाई दोस्त लोग आप लोगों को डीएचए सिटी के हवाले से गाइड कर रहे हैं वो आप लोगों को ये कह रहे हैं कि आप सस्ता आज मिल रहा है उसको ले लो आज से साल बाद इन डेटों में नहीं मिलेगा एक बात हो गई ये सेक्टर 14 में 45 लाख रुपए का रेट क्यों है सेक्टर 14 तो बहुत पीछे जाकर आता है सेक्टर 14 में 45 लाख रुपए का रेट इस वजह से है कि सेक्टर 14 ए में सेक्टर 14 बी में आप आज प्लॉट खरीद कर नक्शा पास कराकर घर बना सकते हैं वहाँ पर प्राइवेट बिल्डर वहाँ पर प्राइवेट बिल्डर और बहुत सारे एंड यूज़र जाकर काम करना शुरू कर दिया है लोग वहाँ पर अपने घर बनाना शुरू हो गए हैं जिन्होंने डी एच सिटी में मुस्तकबिल में रहना है आप भी डी एच सिटी के सेक्टर 14 में आज आप प्लॉट ख़रीदें और कल उसके ऊपर घर बना लें वहाँ पर घर बनाने की इजाज़त है लेकिन ये जितने भी नए सेक्टर आए हैं जो नया नक्शा आया है वहाँ पर अभी अगले चार पाँच साल तक कोई चांसेस नहीं है कंस्ट्रक्शन के सिर्फ और सिर्फ आप वहाँ पर प्लॉट खरीद कर प्लॉट छोड़ दें प्राइस एप्रिसिएशन के लिए और ये अगले पाँच साल में चार साल में ये प्राइस कई बार ऊपर जाएगी कई बार इसमें करेक्शन आएगी फिर ये ऊपर जाएगी फिर इसमें करेक्शन आएगी फिर ही ऊपर जाएगी लेकिन आज सेक्टर थर्टीन एफ में 13 थर्टीन जी में एफ में आपको जो प्लॉट छब्बीस सत्ताईस लाख रुपए में मिल रहा है सेक्टर नाइन में ट्वेल्व में अट्ठाईस उनतीस लाख रुपए के ब्रैकेट में मिल रहा है सेक्टर थ्री में तैतीस चौंतीस लाख रुपए के बत्तीस लाख रुपए के ब्रैकेट में मिल रहा है ये आज से एक साल बाद आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी नहीं लगी होगी और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने पे कोई चार्जिस नहीं है पाँच पाँच सौ छः छः सौ एक, एक हज़ार लोग मेरे चैनल को मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर सिर्फ दो चार पाँच दो चार पाँच बढ़ रहे हैं तो जनाब सब्सक्राइब करो सिर्फ एक फिंगर टच करनी है मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़